हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो ये आज हम लेके आए हैं स्वीट कॉर्न की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो गैस पे रखें पैन या कढ़ाई और उसमें डाला 1 लीटर पानी। तो ये हमने कॉर्न साफ करके रखे थे, उन्हें डाल दिया है। अब इसे करेंगे अच्छे से बॉयल। जब तक ये बॉयल ना हो जाए तब तक हमें इन्हें ऐसे ही पकाना है और बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि हमारे कॉर्न बॉयल हुए हैं या नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, इस तरह से दबा के देख लें तो ये अच्छे से दब जाएगा। तो समझ लें कि स्वीट कॉर्न हमारा बॉयल हो गया है। तो अब इसे निकाल लेंगे, उसके बाद वापस से कढ़ाई रखेंगे, उसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। तो ऑयल गरम हो गया है, उसके बाद डालेंगे हम अपना जीरा और फिर डालेंगे 1 प्याज जो हमने काट के रखी है, तो 2 हरी मिर्च, 1 टमाटर और 1 प्याज हमने काट के रखी है। तो पहले डालेंगे प्याज और इसे भून लेंगे गोल्डन होने तक। तो ये प्याज गोल्डन हो गई है, उसके बाद हमने डाल दिया है टमाटर और हरी मिर्च, तो इसे भी भून लेंगे। तो ये भी पक गए हैं, उसके बाद हमने डाल दिए हैं स्वीट कॉर्न। तो इसे चलाते हुए इसी तरह से तल लेंगे और उसके बाद डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद डालेंगे जीरा पाउडर और चाट मसाला। तो अब डालेंगे धनिया, हरा धनिया, और इसे कर देंगे अच्छे से मिक्स। तो आप यहाँ पर नींबू का जूस भी डाल सकते हैं। तो कॉर्न बन के तैयार हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने टेस्टी लग रहे हैं, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। तो दूसरी तरह के फिर से बनाते हैं स्वीट कॉर्न। तो 1 कप हमने ले लिए हैं स्वीट कॉर्न, उसमें डाल दिया है 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 ही चम्मच डालना है फ्रेंड्स हमें मैदा। तो इस तरह से मिला के देख लें कि अच्छे से कोट हो जाना चाहिए, अगर कम है तो और डाल लें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 ही चम्मच मैदा मिक्स किया है। तो ये कॉर्न हमारे तैयार हैं। तो अब गैस पे रखिए 1 कढ़ाई, उसमें डाल दिया है ऑयल। तो ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद हमने डाल दिए हैं अपने स्वीट कॉर्न और इस तरह से चलाते हुए हमें इन्हें तलना है, डीप फ्राई करना है। और फ्रेंड्स, तलते हुए टाइम ये प्लेट ज़रूर लगा लें, नहीं तो ये चटकते हैं तो तेल ऊपर आने का डर रहता है, तो इसलिए हमें प्लेट ज़रूर लगानी चाहिए। तो ये देखिए कॉर्न हमारे सिक्के तैयार हैं। तो इन्हें निकाल लिया है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कॉर्न कितने अच्छे लग रहे हैं। तो अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर और चाट मसाला। तो ये चाट मसाला डाल दिया है हमने। तो और डालेंगे इसमें नींबू। तो अब इन्हें कर देंगे अच्छे से मिक्स और ये देखिए हमारे स्वीट कॉर्न बन के तैयार हैं। तो एक बार ट्राई ज़रूर करें, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो मिलते रहेंगे ऐसी नई नई रेसिपी के साथ।